जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी को लेकर सामने आ रही है। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने लॉरेंस बिश्नोई के वायरल वीडियो पर पंजाब सरकार पर जो है एक बार फिर से निशाना साधा है। आखिरकार सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी का क्या कहना है पंजाब सरकार को लेकर और चल रहे लाइव इंटरव्यू को लेकर, जो कि जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है लगातार, उसे लेकर सिद्धू के पिता ने क्या कहा है बताएंगे इस वीडियो के अंदर। एक डिटेल चैनल पर नए हैं दोस्तों तो बॉलीवुड के दीवानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नीचे रेड बटन पे क्लिक करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है कि गैंगस्टर जेलों में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं और सिस्टम को खरीद चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप, ये शब्द जो है सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी का ही है। लोगों को डरा धमका कर फिरौती मांगी जा रही है और कत्ल किए जा रहे हैं, जो कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम कई महीनों से सरकार से ये लगातार पूछ रहे हैं कि जेल से लाइव इंटरव्यू देने का आखिरकार इन पापियों का मकसद है तो है क्या। हम सीएम पंजाब से पूछना चाहते हैं कि स्टेज से और भी बहुत कुछ जो है वो संबोधन करते रहते हैं, इसके बारे में भी जो है वो संबोधन कर दें एक बार कि जेल में बैठा बैठा लॉरेंस इंटरव्यू किस प्रकार से दे रहा है। सिद्धू के फादर साहब बलकौर सिंह जी ने एक और बात कही। देवता स्वरूप सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी आगे ये भी कहते हैं कि सरकार अगर इन गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेती तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह जेल के अंदर से इंटरव्यू देते या इस तरह की वीडियो कॉल लगातार लीक होती। वेल दोस्तों, आप सिद्धू के फादर साहब की बातों से कितना सहमत रखते हैं? हम तो पूरी तरह सहमत हैं। आपकी क्या राय है इसे लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में #justiceforsiddhumoosewala जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज सवेरे जदों ही उठे फोन देखा तो काफी लोगों ने वीडियो भेजिया हुई सी लॉरेंस दियां किसी और गैंगस्टर के नाल वीडियो कॉल कर रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਫੋਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਔਖਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ।